بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن फुल सरात के ऊपर ना माँ भी माँ नहीं निकलेगी, ठीक है? माँ बाप भी नहीं पहचानेंगे, कोई किसी का लाडला कोई नहीं होगा, सारे ही कहेंगे परे हो मैं ना गिर जाऊँ तू कौन है। तो अपने आप को पुल सरात पे फील किया करो, ठीक है? इसमें अगर लोगों की तरफ देखोगी ना, चाहे कोई भी है, जब भी दुनिया की तरफ पीछे मुड़ के देखोगे पत्थर के हो जाओगे, स्टन हो जाओगे। तुम अपना फोकस उस पर रखो, तुम जो कुछ कर रहे हो सिर्फ उसके लिए कर रहे हो, वो भी उसने तौफीक दी है तो ठीक है, आपका कोई कमाल नहीं है जी। क्या नाम है? शौकत अली। कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है? किसने भेजा है मेरे पास? मैं इधर ना लाहौर में रहता हूँ, मुझे ना उबर क्रीम चलाता हूँ मैं, तो एक रेट पे ना आपकी यहाँ वर्कर थी जॉब करती थी, उन्होंने बताया था, फिर मैं इसलिए नहीं लेके आया। उन्होंने क्या बताया था? यही सूट और रुमाल के बारे में बताया था। उसके लिए तो यहाँ आने के लिए तो जरूरी नहीं था, यहाँ तो आप में शामिल होने के लिए 7 दिन हमने सुनी है घर, तो उसके बाद हमने कहा चले इधर आके दोबारा हुई। चले आपकी मर्जी है, लेकिन जो लोग यहाँ होते हैं उनमें से किसी को आपको राइड पे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, जिसने बताया उसने अपना नुकसान किया, ठीक है? अगर उसने बताया तो आ गए हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। इधर आ जाओ बैठ जाओ मेरे पास, इधर आप बिठाने की जगह होती है और मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। मैंने तो फीस बिल, भाई इधर बैठ जाओ आप, फीस बिल ला बता दिया है, कोई कर ले। अगर स्पेन में बैठा ईसाई, इंडिया में एक हिंदू, या अमेरिका में एक एथिस्ट ठीक हो जाता है इसे करके, और वो अपनी गवाही भी वीडियो में रिकॉर्ड लगा के लगाता है कि मैं ठीक हो गया, मैं नहीं उससे मांग रहा, वो खुद ही भेज रहा है। मुसलमान क्यों नहीं ठीक हो रहा, मैं क्या कह सकता हूँ? कुरान का हरफ हरफ शिफा है उसमें। फिर अगर आप बुत परस्ती के चक्कर में ही हैं कि नहीं जवेद साहब छू करेंगे ना तो कुछ होगा, छू करेंगे तो होगा, जवेद साहब तवीज़ देंगे तो होएगा, जवेद साहब के गोडे गिटे नपांगे तो फिर कुछ होएगा, ये आप लोगों की अपनी बदबख्ती है। हाँ तो फैज़ ही तो भेजा, फैज़ ही तो कहा कि कोई जहाँ मर्जी बैठे सूरह रहमान सुन ले, दुआ करके पानी के लिए। तो थ्रू वीडियो के थ्रू चैनल बनाते हैं ना जी, मैंने बता दिया। चले बाबा जी ने मुझे बता दिया, मैंने बता दिया, आप वहाँ बैठ के अगर बताई जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके पास फैज़ आ गया, क्योंकि आपको सेम रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आप बताएंगे, अब आप डॉक्टर जावेद हैं, यही तो मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आप सब डॉक्टर हैं, जब आए थे तो मरीज थे, जब गए थे उसी दिन तो डॉक्टर थे। अब उसके बाद भी मैंने उससे आगे जो लोग मेरे साथ चले, प्यार किया, कई तरीक़ों से ये भी बात करते हैं प्यार करने वाले, कोई गिफ्ट उठा लाया, कोई हपियाँ पपियाँ करने लगा, कोई पीछे से लटक गया गर्दन में, ठीक है, कोई गोदी चढ़ गया, कोई कुछ कोई कुछ, फिर भी कहा कि ठीक है इसको करो, इसको करो, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता ये बेगरज प्यार का है, इसको स्प्रेड करो। अगर तुम ये कर रहे हो तो फिर तुम मेरे साथ ही हो, और अगर तुम ये भी नहीं कर रहे और ऊपर से मुझे भी नहीं करने दे रहे, ठीक है, आप ना करें, आप बातें ना किसी से करें, आप बस मेरे से करें, पोजेशन भी शुरू हो जाता है, जेलसी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि पता नहीं है उसको, ये नहीं पता होता, अपनी पहचान नहीं होती, ठीक है। मैं एक हद तक चीटिंग करा सकता हूँ या अखरोट छील के दे सकता हूँ कि यार ये है, अब उस मगज़ को तो उन्होंने खाना है। हाँ, इनमें से कुछ लोग ऐसे आते हैं अल्लाह की तरफ से जिनके होमवर्क पहले से पूरा होता है, ठीक है, कुछ लोग शरीयत की लाइन के होते हैं, उन बेचारों का उधर का होमवर्क पूरा हुआ होता है, ठीक। अब उन्हें वो सारी किताबें जो उन्होंने पढ़ ली होती हैं उन्हें कहना होता है कि कुछ भी नहीं सी, उन्होंने बंद कर, ठीक। जैसे एक बच्चे को बेचारे को स्कूल जाते हैं तो शुरू में उसे खिलौने दे देते हैं,
किंडरगार्टन में फिर है, बड़ा खुश है कि शायद ये स्कूल है, टीचर टॉफियां दे रही है, गोदी में उठाए फिर रही है, उसका मूड ऑफ हो गया, उसने टीचर को ठुड्डा मार दिया, टीचर को दंदी काट दी है, कुछ नहीं जी, खैर है जी। साल बाद जनाब 2 2 4 4 4 8 8 8 4 कन्न फाड़ लो, अभी ये स्कूल कुछ और ही निकला है। 5th 6th 10th तक तो जाते जाते अब ज़रा टीचर को ठुड्डा मारे, ठीक है, अब लॉज चेंज होते जाएंगे। जब कॉलेज में जाएगा, वहाँ जाके अपनी तरफ से बड़ा यूनिफॉर्म पहन के सुबह 8 बजे चला जाएगा, तो टीचर भी मजाक करा रहा है कि चौकीदार भी कॉलेज वाले, यार तू इधर सवेरे सवेरे आ गया। पहला पीरियड तो 9 बजे होता है, 9:30 बजे आते हैं सारे, कुछ ने वैसे ही फुटा लगाया होता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन वहाँ के लॉस कुछ और आ जाएंगे। मुश्किल से बीए किया है, वाह जी वाह ग्रेजुएट हो गया, नहीं मैंने एमए करना है, एमए कर लिया है, बाज नहीं आ रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है यूनिवर्सिटी में, नहीं मैंने एमफिल करना है, एमफिल कर ले थोड़ा सा, वो कहेंगे अब एक थीसिस भी कर, थोड़ा सा खुद करके दिखा, सर लेक्चर पढ़ाए, नहीं लेक्चर नहीं होता इसमें, थोड़ा सा तुम छोटा सा काम दे देंगे, अभी भी बाज नहीं आएगा, तो मैं पीएचडी करनी है, कर लो पीएचडी। जब पीएचडी करने पहले दिन जाएगा तो वो कहेगा हाँ भाई बता क्या मसला है, कहे जी मैंने पीएचडी करनी है, मैंने ये मार्केटिंग में करनी है, मैंने बिस्किटों में करनी है, वो कहेंगे ठीक है ये तुमने डब्बा देखा है, हाँ जी देखा है, तुम कोई ऐसी चीज़ बना के लाओ जो इससे सस्ती भी हो लेकिन उसमें मुनाफा इससे ज़्यादा हो, पैकिंग ऐसी हो, मज़ा ऐसा हो और लोगों में इससे ज़्यादा बिके। कहते जी चलता तो पै सारा कुछ, नहीं नहीं ऐसी ये पुराना हो गया, तो तुम रिसर्च करके लाओ जी, कौन सी किताबों से पढ़ना, किसी किताब से नहीं पढ़ना, मार्केट जाओ सर्वे करो, ये क्यों बिक रहे हैं, ये क्यों नहीं बिक रहे, लोगों को क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, ये सारा तुम्हारा काम है। 2 साल है तुम्हारे पास, 2 साल में तुम ऐसी नई थ्योरी लेके आओ कि तुम लोगों को साबित कर दो कि ये बिल्कुल फजूल चीज़ है, और ये जो तुमने फूलों की पत्तियाँ रखी हैं खाने के लिए ये ज़बरदस्त है, और ऐसी स्ट्रेटजी हो कि इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, अगर वो बिजनेस माइंडेड है, कॉस्ट कम हो, ये हो वो। अब ये रिसर्च है सारी, कहाँ स्कूल शुरू हुआ था, खिलौनों से, टॉफियों से, मीठी मीठी बातों से, इतनी 100 बार ये कर लो फिर ये मिलेगा, वो कर लो फिर वो मिलेगा, बस ये 3 पेज लिख लो फिर वो हो जाएगा, ठीक है, बस ऐसे करोगे ना फिर ऐसे होगा, फिर इतनी नमाज़ें पढ़ोगे फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पहले मुसलमान हो जाए, बस ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह पढ़ लो तो मुसलमान हो जाएगा, जन्नत मिलेगी फलाना, वो पढ़ लिया उन्हें, उन्होंने कहा नहीं नहीं पुत्र 5 नमाज़ें भी पढ़नी है, 5 नमाज़ें आई हैं क्या, बस 5 नमाज़ें पढ़ी तो तजो नहीं पढ़ता, तजो शुरू की थी तू हज किया कि नहीं किया, चल ज़कात भी काट, ठीक है, ओए यतीम को क्या कहा तुमने, यतीम के सर पे हाथ रख, वो सिर्फ कलमा पढ़ लो, कलमे से बात शुरू हुई है, ठीक है, वो लेकिन कलमा ही नहीं है पूरा, ला पता ही नहीं है क्या है, ठीक, जब तक ला का पता नहीं होता और ला खुद नहीं है, ठीक है, तो ला पता ही रहता है, पता लेने के चक्कर में लापता होना पड़ता है। मैंने कहा ना एक सीने में एक की जगह है, एक ही दिल की जगह है। तो स्पिरिचुअलिटी में टीचर्स का आना और चले जाना इज अ कंपल्शन, आपको मुख्तलिफ किस्म के टीचर्स कह लो आप, ये आपकी ग्रेटनेस, आप उन्हें टीचर कह रहे हो, हम सारे एक दूसरे के टीचर हैं, हम सब सीखते हैं कुछ ना कुछ एक दूसरे से, माँ बच्चे से सीखती है, हालांकि माँ बच्चे को सिखाती है, लेकिन माँ जब पहली बार माँ बनती है और पहला दिन दूसरा दिन होता है तो वो उससे सीख रही होती है कि अच्छा है, जो ऐसी रोई जा रहा है ना ये, इसका पैंपर जब गीला होता है फिर रोता है, नहीं जब इसे भूख लगती है फिर रोता है, नहीं जब इसकी नींद कच्ची होती है फिर रोता है, नहीं जब ये टांगे इकट्ठी करके रोता है तो इसके पेट में दर्द हो रहा है, 4th 5th दिन उसे ये समझ आती है, ठीक है। आपका किसी उस्ताद के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जैसे माँ का औलाद के साथ होता है कि आप उनको उस तरह महसूस करते हैं जैसे कि आपने अपनी औलाद को महसूस किया, फकीर माँ होता है अगर हो तो, फकीर कायनात में एक ही है, तो फकीरी बहुत मुश्किल काम है, कहना बड़ा आसान है, थे सारे फकीर तुरे फिर रहे, फकीर एक ही है, वो बेंच मार्क है, माँ है, ठीक है, और माँ तो बच्चे को नंगा भी कर लेती है, उसको नहलाती है धुलाती है, उसको पर्दा नहीं होता है, उसको निकल नीची करके पिट्ठी पर टीका भी लगवाती है, बाज ना आए तो उंगली गर्म चाय के कप में भी डुबो देती है, पता चला हॉट, फिर वो बच्चा काफ़ी समझदार रहता है।
बेटी हो तो वो फिर व्हाट इफ इज वाइस वर्सा कि वो स्टूडेंट की तरफ से उस्ताद के लिए हो स्टूडेंट की तरफ से उस्ताद के लिए हो स्टूडेंट जो है वो माँ को भी सबक सिखाता है ना स्टूडेंट माँ को नहीं सबक सिखाता मैंने अभी तो तुझे बताया माँ को तो टिकरी का नाच तो पहले वही नहीं चाहता है ठीक है माँ एवं थोड़ी बन जाती है माँ बहुत नाची होती है एक दिन वो होता है जिस दिन अपने ही पखाने पेशाब में लिथड़ा पड़ा होता है कोई पता नहीं बल्कि उसी में हाथ लग गए वही अंगूठा मुंह में डाल लिया नम, 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 कोई पता नहीं लगा हुआ है पॉटी चीची वाले हाथ मुंह में डाले हुए हैं या क्या कर रहा है कोई पता नहीं माँ बेचारी रात को सोई है सारे दिन थकी उधर ही बिस्तर गीला कर दिया साठ टाटा लगा दिया अब्बा लैदा बकवास शुरू हो गया तेनू बच्चा सामना नहीं आता तो तू बेबे नू बुला लै अपनी माँ नहीं बुलाएगा तेनू नहीं सामभिया किसी ने कोई नहीं हर कोई औखा है वो बेचारी फटाफट उन्होंने भी चुप कराना है इस खबीस नू भी वेखना है जिहड़ा कहिंदा मैं सवेरे मार्केट जाना है उन्हें नहीं सवेरे किचन च वड़ना तेरी बेबे दियाँ भी सुननियां ने अगर कंबाइन फैमिली सिस्टम है या जो भी है वो बेचारी उठती है इसको पहले धोती है इसको खुश करती है फिर जहाँ खुद लेटी हुई थी खुश जगह पे इसको करती है ठीक है खुद नींद आई हुई है बुरा हाल है कोई कपड़ा गीला वो करके तैश है उसके ऊपर डाल के आपे उथे लम्मी पै जाती है गीली जगह पे रात में पता नहीं कितनी बार ये तमाशा होता है फिर एक दिन आता है ये सब बड़े हो जाते हैं लेकिन अभी भी पता कोई नहीं है थोड़ा सा तीन चार साल का हो गया निकल कर टांगे चौड़ी करके आ गया मामा निकल गई बू छोड़ी भी है मामा फटाफट ले गई है कपड़े शपड़े धुलाए हैं मामा के अपने हाथों को लग गई है कपड़ों को लग गई है ये साहब ने नहा लिए इन्होंने नए कपड़े पहन लिए ये परे हो गए तो कह रहे मामा आ से बू आ रही है मामा सीख दी कि अच्छा आखिर साढ़े को बू ही आनी है ठीक है जैसे आप कह रहे हो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल किड्स ऐसे गिरे हुए उजड़े हुए आए ठीक है कईयों ने आते साथ एक ने आते साथ जूती उठाई मेरे सिर की मारती ऐसे ही सारे हैं सामने फिर थोड़ी देर बाद एकदम उठी राले उसकी गिर रही मेरा भी एक दौर रहा मेरी तीन तीन दिन राल गिरती रहती थी कुत्ते की राल गिरती है सिर्फ हालत होती है जब आप खुद गुजरे होते हैं ना उसमें से फिर आपको दर्द का एहसास होता है ठीक है जब आप कब्रिस्तानों में अगर आप बैठे होंगे जाके खाम खा घर वाले समझ रहे हैं नशई हो गया है पागल हो गया है कुड़ी का चक्कर है वहाँ वाला गोरकन समझ रहा है ये कोई कफन चोर है या नशई है नशई आ गया आपको उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आपको बैठने की जगह कब्रिस्तान नहीं कोई फेवरेट जगह आपको बैठने को कुछ बैठने नहीं दे रहा ना अब जिधर जाते हैं कोई ना कोई आ जाता है तो आप जगह मरने को ढूंढ रहे होते हैं और अपने आप को अगर कोई पूछे तो मैं मसला क्या मसला भी नहीं पता होता मुझे क्या मसला है ठीक अब अगर ये सारा आपको याद हो और आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको नहला धुला दे एक ही कर सकता है जो बेगरज होगा जो बेलॉस होगा ठीक है दुनिया का क्या है दुनिया तो कहेगी अच्छा वो नंगी लड़की थी ना उन्हें जफियाँ पाँदा पिया सी चक्कर ही दूजा है कुड़ी नंगी सी ना उन्होंने उधर कमरे च लै गया उधर हो गया उसको नहीं परवाह और नंगी कुड़ी का ये भी इन्होंने देखा है यहाँ पे तमाशा लड़की ने अपने कपड़े उतार दिए मेरे भी चढ़ गई है इन्हें सारे सामने लिपस्टिक भी सारी अब्बा वाला उन्होंने भी गाला कटी जा रहा है मैंने भी कटी जा रहा है और ये हॉस्पिटल है मेरी ये वर्किंग प्लेस है मेरी भी तो कोई इज्जत होगी मेरे को स्टूडेंट्स हैं ठीक है और हॉस्पिटल वालों ने कौन सा कहा कि डॉक्टर साहब आप ये ड्यूटी करें हॉस्पिटल साहब नहीं करें वो तो कहेंगे इसको साइकी में दाखिल कराओ बल्कि वो थी साइकी की वो थी साइकी में दाखिल यहाँ से एक हमदर्द दवा खाना बगैर पूछे दसे चुक ले आया थे ठीक करना पड़ता है उसने क्या किया उसने वार्ड में जाके कहा प्रोफेसर साहब ना मैं ब्याह कर रही हूँ ऊपर से नर्सें पूछने वाली नर्सें की करके उन्हें को सारा कुछ किया है लिपस्टिक लाई में सारे यह भी करता है वो भी करता है ठीक और वो उल्लू के पट्टे जिन्हें पता है कि महीने से दाखिल है पागल है या दिमाग खराब है उनके लिए तो वो पागल थी तो वो उस बात को फौरन मान लिया ना अच्छा डॉक्टर साहब तो उत्थे फिर यही काम है अच्छा अच्छा फिर यही बिचू गल निकली है ना अगले दिन वो इधर पहुँच गई रास्ता उसको आ गया था मैं दौड़ गया क्योंकि मैंने तो जितनी डोज दी थी मैं तो भाई हफ्ते बाद अब डोज देनी थी मैं तो गायब आगे डॉक्टर साहब गई थी वो माँ इन्हें तकरीर शुरू हो गई मैं कहा वो डॉक्टर का कसूर है मेरी बच्ची से जादू कर देता है किधर जा रहे हो है
किथे किधर हाँ इधर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ इधर बैठ जाओ। ये इंसान का हाल है, कज़ा सर पे खेल रही होती है और उसकी अना अभी भी उसके साथ होती है। मुर्दा जो है ना ये अकड़ता बहुत है। गुर्दे उड़ते ही तब है गुस्सा, शराब, हराम। अल्लाह का क्या जाता है आप गुस्सा खाएंगे तो, शराब पीने लगे जाता है, सूर का वो लग के जाता है। माँ बच्चे को कहती बेटा स्कूल सीधा जाना, सिगरेट नहीं पीनी। बेटी को कहती पुत्र किसी ने गाल नहीं करनी, सीधी जाई सीधी आई। लड़की डेट पे निकल जाती है, पुत्र सूटे लाड़ लग पाता, माँ लग ही जाता है। या मोटरवे पे आप 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस वालों का क्या जाता है? तो सत्यानाश तो आपका होता है, लेकिन वो आपको रोके तो आपको गुस्सा चढ़ता है। ये इंसान का हाल है। हाँ ईगो, तो इसमें आपने जो भी करना है, सैयद बादशाह हो तो जो भी आप वहाँ कर रही थी गोरों के साथ, خلق الإنسان علمه